न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश के निवासियों तथा उत्तर प्रदेश में फंसे अन्य प्रदेशों के निवासियों के पंजीकरण के लिए जारी हुआ इंटरनेट लिंक। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने लोगों से अपना पंजीकरण करने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर बुधवार को नाडियाड गुजरात से देर शाम 1,200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची गोरखपुर स्टेशन। डीएम और एसपी ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। ट्रेन के यात्रियों के मेडिकल चेकअप सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, जिलेवार लगी बसों में यात्रियों को पहुँचाया जाए उनके गंतव्य तक। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय को 8 मई से शर्तों के आधार पर किया जाएगा क्रियाशील। साफ सफाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी मामलों की सुनवाई। वादकारी की न्यायालय परिसर में प्रवेश की नहीं होगी अनुमति, जनपद न्यायाधीश ने दी जानकारी। डीएम और एसएसपी ने किया गीड़ा स्थित पूर्वांचल डेंटल कॉलेज और कसरवाल में बने चेक प्वाइंट का निरीक्षण। कहा, सभी एम्बुलेंसों की हो जाँच, न होने पाए कोई चूक। डीएम के विजयन पांडे और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया सूरजकुंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर सूरत से 1,191 मजदूरों को लेकर बुधवार को गोरखपुर पहुंची चौथी ट्रेन। स्टेशन पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए थर्मल स्कैनिंग के बाद रोडवेज की बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना। महानगर में बुधवार को अन्य जनपदों और अन्य राज्यों में फंसे यात्रियों की पास बनवाने की लगी कतार। एडीएम फाइनेंस ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम के गाइडलाइन के तहत ही जारी होगा पास। वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ने और निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से है अलर्ट और मुस्तैद। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, लॉकडाउन का पालन करके ही इससे मिल सकती है निजात। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण तीसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करने के लिए एसपी साउथ ने चेक पोस्टों का किया निरीक्षण। कहा, बेवजह सड़कों पर घूमने निकलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में किया जाएगा दंडात्मक कार्रवाई। जिला चिकित्सालय में नव नियुक्त प्रमुख अधीक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर एस के श्रीवास्तव गोरखपुर न्यूज से हुए रूबरू। बताई अपनी प्राथमिकताएं। अस्पताल में तैनात डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों से मरीजों के बेहतर इलाज और उनकी अच्छी तरह देखभाल करने की अपील। शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मोबाइल की दुकानों को खुले जाने की अनुमति के बाद बुधवार को बलदेव प्लाजा में मोबाइल की खुली दुकानें। ग्राहकों की उमड़ी भीड़, किसी भी दुकान पर नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी ओपीडी सहित वार्डों को कराया गया सैनिटाइज। भर्ती मरीजों के तीमारदारों को साफ सफाई से रहने के दिए गए निर्देश। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में देहात और महानगर में छूट मिलते ही दूसरे दिन भी शहर में दिखा चहल पहल। कुछ जगहों पर निर्धारित समय से पहले घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस द्वारा 1-1 मीटर की दूरी पर बैठा कर दी गई सजा। सीओ कैंट ने लोगों से अनावश्यक घरों से न निकलने की अपील।